राउंड रूम गाइस, ये है हमारे पास हनवा का कैमरा है। तो इसका मॉडल जो है, ये तो इसका मॉडल है XND C8083। तो आज हम इसकी जो है, इसको किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको किस तरह हम ऐड करते हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम जो है इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइज, इसको इस कैमरे को हमने अनबॉक्स किया था, तो ये कुछ इस तरह दिखता है। अब हम इसको किस तरह इसको हम एक्टिव करते हैं, तो इसको सबसे पहले ये वाला कैमरे को हम देते हैं पावर। पावर देने के बाद इसको कैसे रीसेट करते हैं डिफ़ॉल्ट पे, और फिर किस तरह इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, सारा का सारा प्रोसीजर आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं। तो इस कैमरे को हमने जो है इस कैमरे को पावर दिया, इस PoE इंजेक्टर से इसको हमने पावर दिया। अब चूँकि कैमरा ओपन है, ऑन है, तो इसका बाकी का प्रोसेस हम आपको जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर जाकर दिखाएंगे कि किस तरह हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं, दोनों लाइट ब्लिंकिंग है, ऑरेंज एंड ग्रीन लाइट ब्लिंकिंग है, इट मीन्स कैमरा ऑन है, पावर ऑन है। तो अभी बाकी का प्रोसेस हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाएंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि हम वॉइस नेट के उस पर जाएंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और इसको लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद हमें वो पासवर्ड पूछेगा। तो अगर आप कैसे पासवर्ड भूल गए हैं तो आप करेंगे क्या, आप इसको इसको दबा के डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पर आप प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे दें और अप्लाई कर दें, ठीक है। पासवर्ड पूछेगा तो आप कोई भी पासवर्ड, जैसे मैं कोई भी पासवर्ड देता हूँ, आप भी इसी तरह कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। देने के बाद आप उसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन के बाद आप जो है डिवाइस को सर्च करेंगे। इस तरह आप देखें कि मेरे जो डिवाइस है वो मेरा डिवाइस यहाँ पर आ चुका है ऊपर, ठीक है। इसको आप क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर IP एड्रेस दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे लैपटॉप का IP एड्रेस पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप आके यहाँ पर IP एड्रेस को आप जो है चेंज करेंगे। सेम IP एड्रेस जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको आप 192.168.1.100, 192.168.1. आप इसको 99 करो और इसको यहाँ पर हिट कर दो। और फिर आप ब्राउज़र में जाओ, उसको वही IP असाइन करो, 192.168.100 दे दो। और इस तरह आपका जो है हनुआ, अब वो आपको बोल रहा है कि आप इसको पासवर्ड दे दें। तो मैं इसको पासवर्ड असाइन करता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने पासवर्ड दे दिया और अप्लाई कर दिया, ठीक है, ओके। और ये मेरा पासवर्ड ओके हो गया। इसके बाद जो है आपका कैमरा इतनी आसानी से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप यूजर नेम एडमिन देते हैं, पासवर्ड जो हमने दिया था वो पासवर्ड लगा के आप इसको साइन इन करते हैं बड़ी आसानी से। आप देखें, मेरा कैमरा जो है यहाँ पर साइन इन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अगर आप उसको मज़ीद कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे, डिटेल से मैं आपको बताना चाहूँगा। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में यहाँ आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको दिया हुआ बेसिक, ठीक है। बेसिक में ये आपको कैमरे की जो है कोड दिए हुए हैं, कैमरे का आप किस उसमें, अभी मेरे पास डिफॉल्ट में चल रहा है, ठीक है। तो दूसरा आपके पास है यूज़र, यूज़र में आप अगर चाहें तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। ID मेरा एडमिन है, करंट पासवर्ड मैं डालता हूँ, ठीक है। न्यू पासवर्ड मैं डालता हूँ,
यहाँ पर मैं न्यू पासवर्ड डालता हूँ और यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगा तो ये पासवर्ड चेंज होगा, लेकिन चूंकि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। इसको जो पासवर्ड हमने दिया था वही पासवर्ड हम इसको अप्लाई करेंगे। फिर दूसरी तीसरा चीज़ आपके पास है वो है आपके पास डेट एंड टाइम। यहाँ पर आकर अभी आप देखें आपको बाय डिफॉल्ट जो आप अपना चूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं जैसे अपना चूज़ करूँगा मेरा जो रीजन है वो मेरा रीजन है, वो मैं यहाँ पर अगर चूज़ करूँगा तो मेरे रीजन का आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अबू धाबी मस्कत चूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेरा टाइम आ जाएगा और मैं इसको अप्लाई करता हूँ अप्लाई द चेंज, तो मेरे पास वो कैमरे का सेम टू सेम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको इसमें एड्रेस कुछ और चीज़ें देना चाहें मैनुअली आप हम दे सकते हो, और अगर सिंक्रोनाइज विद पीसी करेंगे तो जो पीसी का टाइम मैंडेट होगा वो यहाँ पर वो आपके असाइन कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और फिर अप्लाई करेंगे तो वही आपका आ जाएगा। तीसरा आपके पास यहाँ पर है वो है आईपी एड्रेस, अगर आप चाहें आप कोई भी आईपी एड्रेस इसको असाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिफॉल्ट पे है तो डिफॉल्ट पे वो आईपी है जो इसका जो डिफॉल्ट आईपी है वही अभी है, तो आप इसको अगर मैं पोर्ट वगैरह का इंफॉर्मेशन यहाँ HTTP 8 है, HTTPS 443 है, HTTPS जो है वो 554 है, आईपी एड्रेस मेरे पास अभी DNS 1 है, DNS 2, और ये जो है यहाँ पर होस्ट नेम है, होस्ट नेम XNDC 8083 RB है जो मेरे कमरे का नंबर है, E43022809079 ये मेरे कैमरे का सीरियल नंबर है। यहाँ वो आपको तमाम का तमाम चीज़ें मिल जाएंगे। फिर तीसरे में आपका PTZ है, फिर आता है ऑडियो वीडियो, फिर आता है नेटवर्क। नेटवर्क में आप जाकर जो है इसके तमाम के तमाम DNS, IP फिल्टरिंग हो गया, HTTPS जो भी आप यहाँ पर असाइन कर देंगे वो तमाम का तमाम आपको यहाँ पर हो जाएगा ऑटो और यहाँ सर्टिफिकेट मैनेजमेंट। ठीक है, चूंकि हम इसको भी नहीं चढ़ते हैं, मैं सिर्फ आपको ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इवेंट। इवेंट में ये आपके पास तमाम के तमाम आप टाइम स्केड्यूल रखना चाहें, नेटवर्क डिसकनेक्शन करना चाहें और हैंडओवर करना चाहें, इवेंट रूल करना चाहें, ये सब के सब आप यहाँ कर सकते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट है वो है आपके कैमरे के एनालिटिक्स होते हैं, वो आपको तमाम के तमाम एनालिटिक्स में आप देखें आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हनुवा की तरफ से दिया गया हुआ है। फॉग डिटेक्शन हो गया, डिफोकस हो गया, टेम्परिंग डिटेक्शन हो गया, मोशन डिटेक्शन हो गया, शॉक डिटेक्शन हो गया, ये तमाम के तमाम, ऑडियो डिटेक्शन हो गया, साउंड क्लासिफिकेशन, इस आपको तमाम के तमाम ये अंडर द एनालिटिक्स आपको मिलेंगे। फिर आपके कैमरे के स्टेटिस्टिक्स हैं, पीपल काउंटिंग हो गया, क्यू मैनेजमेंट हो गया, ये तमाम का तमाम आपको इसमें मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल का आइकन को प्रेस करें।